मेरा नाम सागर सिंह भट्टी है। मैं तिनसुकिया में रहने वाला हूँ और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। मैंने 2 दिन पहले एक एल्बम मंगवाया था लुधियाना से, और ये एल्बम मंगवाया जब मैंने, मुझे थोड़ा अर्जेंट था एल्बम का, तो मैंने फर्स्ट पोस्ट में डलवाया था। उसके बाद मैंने ट्रैक किया आधा घंटा पहले की का एल्बम कहाँ पहुँचा, मैंने गुवाहाटी पहुँचा था एल्बम। उसके बाद मैंने गुवाहाटी से थोड़ा देर बाद थोड़ा फ़ोन आया एक आदमी का कि आपका एल्बम डीएक्टिवेट हो गया, उसे एक्टिव कराना पड़ेगा। एक्टिव कराने के लिए मैंने बोला मेरा तो पैसा दिया हुआ है, तो उन्होंने बोला नहीं आपको 5 रुपये फाइन देना पड़ेगा एक्टिव कराने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है दे दूंगा। तो उन्होंने बोला कि आप, मैं एक व्हाट्सएप में लिंक भेज रहा हूँ, लिंक के थ्रू आपने पैसा देना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने वो उस टाइम मैं लंच कर रहा था, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, और मैंने, उन्होंने जैसे जैसे बोला कि अमाउंट डाल के पिन डाल दो, तो मैंने पिन डाला। उसके बाद पैसा कट गया, मतलब पैसा कटने का रिसीट नहीं आया मेरे पास, लेकिन पैसा कट गया, फ़ोन काट दिया उन्होंने। तो मेरे को डर लगा, मैंने तुरंत ही पिन चेंज कर दिया अपना। उसके बाद 2 दिन बाद मेरा, मॉर्निंग को उठता हूँ मैं, देखता हूँ 9:52 में मेरा 99,000 अकाउंट से गायब है, मतलब पूरा निकल गया। मतलब उसके बाद मेरा एकदम, मतलब पूरा नर्वस हो गया मैं। तुरंत ही मैं 10 मिनट में बैंक पहुँचा। बैंक आने के बाद मैंने बैंक से सारा ये किया, मेरा अकाउंट फ्रीज करवाया। बैंक वाला जिसके अकाउंट में गया उसका डिटेल्स दिया। उसके बाद बोला कि थाना में जाओ। मैंने थाना में गया, थाना में जाने के बाद बोल रहा है कि आप, हम लोग का यहाँ पे FIR पहले नहीं होगा, पहले सर्वर क्राइम को करना पड़ेगा। तो सर्वर क्राइम को मैंने ऑल डिटेल्स दिया, 1 घंटा का अंदर सारा फॉर्मेलिटी मैंने कर लिया। वहाँ पता चला कि वो कोई पूर्णिमा दत्तो बोल के कोई अकाउंट का होल्डर था, और उसके अकाउंट में मॉर्निंग को मेरा 99,000 गया था। उसके बाद उन्होंने किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किया, और मेरे को इतना भी, मैंने पूछा कि ये रनिंग अकाउंट है, तो बोला हाँ रनिंग अकाउंट है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे नहीं पाऊँगा आपको, वो बाकी पुलिस को दे पाऊँगा। तो मैंने ऐसा किया। उसके बाद मैंने 2 दिन बाद, मैंने कल में भी सर्वर क्राइम को फिर से फ़ोन लगाया, मैंने बोला सर कुछ अपडेट है क्या, तो उन्होंने बोला कि हमने कर दिया अपना जो भी था, लेकिन आपका अभी बैंक वाला ही बताएगा क्या होगा। तो वही वही प्रोसेस में है। तो मुझे तो इतना तंगी हो रहा है सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है घर पे भी। 1 लाख रुपये सर छोड़ा अमाउंट नहीं है, सबका पैसा पैसा ही है, मेरा भी इतना मेहनत का पैसा है, और मैं नहीं चाहता कि आज मेरे साथ हुआ कल आपके साथ हो, किसी और का भी साथ हो, और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि कुछ नहीं होगा, और इस वजह से उन लोग मौका का फ़ायदा उठाते हैं कि उन लोगों को भी पता है कि कुछ नहीं होगा, मतलब कानून भी उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे वो उसका ही फायदा उठा के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आज मेरा 1 लाख रुपया, किसी का 10 लाख भी जा सकता है। तो सबका पैसा बहुत कीमती है सर, मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ते हैं हम लोग, तो सपोर्ट करना चाहिए। मुझे हमारे 300 रुपया का जो भी टीम है, ऐसे सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो मदद करना चाहिए, पकड़ना चाहिए उन इंसानों को, यही चाहता हूँ मैं।